नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज। मध्य प्रदेश की तीन बड़ी खबरों को लेकर मैं सीमा चतुर्वेदी हाजिर हूं। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बोले, हां मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का चमचा हूं। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने रेस्ट हाउस में सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा पिछले दिनों दिए गए भाषण के दौरान गुलाम शब्द पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे गुलाम नहीं चमचा कहा है। इसमें दिक्कत क्या है? अगर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का चमचा हूं तो क्या गलत है? कल तक डॉक्टर केपी यादव स्वयं सिंधिया के वाहन के पीछे नहीं दौड़ते थे क्या? यदि उन्होंने मुझे टिकट दिया, मेरा जीवन सवारा, मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया, मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े व्यक्ति का चमचा हूं और जीवन प्रयत्न रहूंगा। दूसरी खबर, रेल मदद ऐप पर दर्ज होंगे यात्रियों के ट्वीट, जल्द दूर होगी समस्या। रेल मदद ऐप रेल सफर के दौरान यात्रियों द्वारा समस्या या असुविधा किए जाने वाले ट्वीट पर सुनवाई के लिए रेलवे ने प्रक्रिया में बदलाव किया है। रेल मंत्री या DRM ID पर किसी शिकायत का ट्वीट आते ही यात्री का मोबाइल नंबर मांग कर रेल मदद ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित विभाग को तय समय में इस पर कार्यवाही करनी होगी। यात्री अपनी शिकायत के निदान की प्रक्रिया को रेल मदद ऐप पर देख भी सकेगी। तीसरी खबर, हनी ट्रैप आरोपी आरती दयाल से आयकर विभाग के दफ्तर में पूछताछ। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप मामले में आरोपी आरती दयाल को पुलिस भोपाल स्थित आयकर विभाग के कार्यालय लेकर पहुंची, जहां आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। फिलहाल दीजिए इजाजत, पुनः मुलाकात होगी देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ।